अगर देखा जाए कि आज के दौर में लोगों की प्रायोरिटीज क्या हैं, वक्त, काम, इज्जत, दौलत, रिश्ते, रिलेशनशिप्स, फैमिली, तो बहुत बड़ी प्रायोरिटी अगर देखा जाए तो हमारे माशरे में पैसा एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी है। बहुत से लोग पैसे को हासिल करने के लिए किसी भी किस्म की फील्ड में चले जाते हैं, सोचते भी नहीं कि इसके आउटकम्स क्या होंगे, कहीं इसमें फाइनेंशियल हलाल हराम की शायद वो सेंस ऑफ डेवलपमेंट आहिस्ता आहिस्ता माशरे में कम होती जा रही है, वैल्यूज रही नहीं। बहुत सख्त जुमला है हज़रत अली का ये कि औलाद के मर जाने पर तो इंसान सो जाता है लेकिन माल के छिन जाने पर नींद नहीं आती। पास लोगों का माइंडसेट इतना ज्यादा मटीरियलिस्ट है कि उनकी जिंदगी में पैसे की बहुत ज्यादा अहमियत है। मतलब रिश्ते जाएं चले जाएं दुख होता है लेकिन उतना दुख नहीं होता जितना पैसे या कोई प्रॉपर्टी, कोई प्लॉट, कोई मकान या कोई ऐसी चीज जो कि फाइनेंशियली रिलेटेड हो। सो जिंदगी में ना प्रायोरिटीज को फिगर आउट करें। पैसा इंपॉर्टेंट है, दुनिया पैसे से चलती है, मनी कैन बाय लॉट ऑफ थिंग्स बट मनी कैन नॉट बाय एवरीथिंग। वर्क इज लाइक अ रबर बॉल, मतलब वर्क जो है ना, काम, ये जो पैसा है, एक रबर बॉल की तरह है। मतलब एक बार गिरेगा ना तो वापसी आ सकता है, लेकिन जो फैमिली, जो रिश्ते होते हैं ना, इट्स लाइक अ बॉल ऑफ ग्लास, एक बार अगर गिरते हैं ना तो वापसी नहीं आते। हमें समझना पड़ेगा कि हमारी जिंदगी में प्रायोरिटीज क्या होनी चाहिए। पैसा बिल्कुल प्रायोरिटी रखिए, इज्जत प्रायोरिटी है, लेकिन फैमिली बहुत बड़ी प्रायोरिटी है, यानी औलाद, वालदैन बहुत बड़ी प्रायोरिटी है। तो जिंदगी गुजारना बहुत आसान हो जाएगी लोगों के लिए अगर लोग अपनी जिंदगी में प्रायोरिटी सेट कर लें, क्योंकि जिस तरह आप अपनी प्रायोरिटी सेट करेंगे उन प्रायोरिटीज के बेस पर ही आप डिसीजन मेकिंग कर रहे होंगे, उन प्रायोरिटीज की बेस पर आपने गोल्स को सेट कर रहे होंगे, उन प्रायोरिटीज की बेस पर ही आप अपने जिंदगी के पर्पस को बिल्ड कर रहे होंगे, उन प्रायोरिटीज की बेस पर ही आप सही और गलत की तमीज के सेंस को अपने अंदर डेवलप कर रहे होंगे। ये बात बहुत जरूरी कि एनालाइज करें, अंडरस्टैंड करें कि माल यानी मटेरियल चीजों की इंपॉर्टेंस ज्यादा है, रिलेशनशिप्स की इंपॉर्टेंस ज्यादा है, फैमिली ज्यादा इंपॉर्टेंट है या वेल्थ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नो डाउट वेल्थ फैमिली की जरूरत है, फैमिली को पैसे की जरूरत है, वेल्थ इज द रिक्वायरमेंट, बट उससे कहीं ज्यादा वक्त की जरूरत है, उससे कहीं ज्यादा आपकी जरूरत है। कुरान की भी आयत है ना कि तुम नेकी की मंजिल तक उस लम्हे तक नहीं पहुंच सकते जब तक तुम खुदा की राह में वो ना दे दो जो सबसे बेहतरीन है। खलील जिब्रान से पूछा गया सबसे बेहतरीन है क्या, इस आयत की तफसीर क्या है। खलील जिब्रान ने कहा जब तुम लोगों को अपने माल से देते हो ना बहुत ही थोड़ा देते हो, लेकिन जब तुम लोगों को अपनी जात से निकाल के देते हो, अपने आप से, अपनी जात से निकाला हुआ वक्त, ये असल देना है। लोगों को आपका वक्त चाहिए, आपकी जात से निकली हुई चीज चाहिए, पर जात से देने के लिए जात में होना बहुत जरूरी है। यही बात हज़रत अली समझाना चाह रहे कि इंसान माल के चिन जाने पर तो नहीं सोता लेकिन औलाद के मर जाने पर जरूर सो जाता है। मतलब शायद औलाद की वो इंपॉर्टेंस नहीं, जुमला बहुत ही सख्त है लेकिन शायद क्या करें, बहुत गहराई है जुमले के अंदर जो इसे समझने की जरूरत है।